नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज हमीरपुर। बसपा प्रत्याशी विमलेश कुमारी यादव ने जनता से की भारी मतों से विजयी बनाने की अपील। राठ हमीरपुर। राठ नगर पालिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवार पद के बसपा प्रत्याशी विमलेश कुमारी यादव पत्नी भूपेंद्र सिंह यादव जी के जनसंपर्क के चलते अन्य दलों के उम्मीदवारों में खलबली का माहौल बनता नजर आ रहा है, परंतु अभी सभी उम्मीदवारों का भविष्य मतदाताओं की मुट्ठी में बंद है। देखना ये होगा कि आखिर मतदाता अपना मत किस पक्ष के उम्मीदवार को अपने नगर का शहरा बांधते हैं। वहीं प्रत्याशी पति भूपेंद्र सिंह यादव ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि भूपेंद्र यादव नाम जनता का नाम है, यदि मुझे मौका मिलता है तो नगर का चहुमुखी विकास करते हुए जन समस्याओं का समाधान करना ही प्रथम मुद्दा रहेगा। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि हाथी वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। हाथी सबका साथी, हाथी बिना नहीं है कोई अपना साथ। हर काम बहुत लगन से और ईमानदारी से करेगा। जो नगर पालिका में आज आप देख रहे हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र डाल दें तो कहो आदमी को महीनों परेशान होना पड़ता है और बिना कहीं कुछ दिए जी वो भी नहीं मिलता है, तो उन लोगों का विशेष ध्यान दिया जाएगा। उनके घर घर तक जी जो मृत्यु प्रमाण पत्र या जो भी है वो घर घर तक पहुँचेगा। सभी लोगों का बहुत तहे दिल से ईमानदारी से काम किया जाएगा। हमने देखा है कि बहुत लोग अमन की दुहाई दे रहे हैं जी। अभी पहले वो अमन को सीख तो लें जी। आपने देखा होगा अभी एक 4-6 साल पहले जी यहाँ जुलूस नहीं निकलने दिया लोगों ने जी। बिल्कुल सही बात, हिंदू मुस्लिम करवाया है जी। आज वो अमन की दुहाई देते हैं जी। भूपेंद्र सिंह सदैव अमन का उम्मीद रहा है, अमन की बात करता रहा है और नगर में अगर भूपेंद्र सिंह को आशीर्वाद दिया तो सदैव अमन रहेगा और सभी लोगों का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों का मिलके काम होगा और सभी का साथ दिया जाएगा। जैसे नेताजी आपके ऊपर पार्टी ने भरोसा किया है, आप जीत के नगर पालिका पहुँचते हैं तो आपकी क्या घोषणा रहेंगी क्षेत्रवासियों के लिए, राठ नगर वासियों के लिए? बहन मायावती जी ने जी जो हम पे भरोसा किया जी, सर्वप्रथम तो मैं उनकी भरोसे पे कायम रहूँगा और खड़ा उतरूँगा जी। और रही आम लोगों की बात पर, नगर के लोगों की बात जी, तो नगर के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि वो भूपेंद्र सिंह पर भरोसा रखें। भूपेंद्र सिंह कोई नेता नहीं है जी, भूपेंद्र सिंह एक व्यक्ति है जी, और जो भूपेंद्र सिंह कहता है वो करता है। और भूपेंद्र सिंह सदैव नगर के विकास के लिए जो शोषित दलित पीड़ित लोग उनके साथ न्याय होगा। वो जो नई बस्तियाँ हैं जिनमें पानी बिजली सड़क लोग कैसे चलते हैं कैसे जाते उन पे विशेष फोकस किया जाएगा। नगर की सफाई झाड़ू जो भी समस्याएं होंगी उन पे तहे दिल से और लगन से, क्योंकि भूपेंद्र सिंह ना जातवादी है, एक व्यक्तिवादी है, न्यायप्रिय है और सभी के साथ बिल्कुल मिलजुल के और नगर का विकास किया जाएगा। मैं तो यही कहूँगा बार बार कि अगर आप लोगों ने जी वोट दिया है जी और देखा है कि प्रत्याशी 5-5 साल आपके रूबरू नहीं हुआ, आपके सामने नहीं आया, आपके बीच में नहीं गया, अब भूपेंद्र सिंह सदैव आपके बीच में। तो क्या भूपेंद्र जी जीतने के बाद आप नगर में जाएंगे, आप जैसे अभी नगर घर घर जा रहे हैं तो क्या ऐसे गलियों को या रास्ताओं को या व्यवस्थाओं को देखेंगे जीतने के बाद? भैया भूपेंद्र सिंह आज कटोरा लेके भीख मांग रहा है, आप जे मान लें कि हम बेकारी है इस टाइम जी। मतदाता दाता होता है जी, और भूपेंद्र सिंह इस चीज़ को कभी नहीं भूलेगा कि जो हमें दान दिया है, जो ऋण दिया है, भूपेंद्र सिंह उसको चुकाने का प्रयास करेगा। घर घर जाएगा और सभी से पूछ के अच्छे लोगों मोहल्ले नगर में बैठ के अच्छे लोगों से सलाह लेके ही नगर का विकास होगा।